हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए केयरिंग वुमन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है प्रीवी बाय वाइसराय प्रॉपर्टीज एट ठाकुर विलेज कांदिविली ईस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। सो दोस्तों, प्रीवी इज अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट और इट इज डेवलपिंग बाय वाइसराय प्रॉपर्टीज एट ठाकुर विलेज। तो काफी प्राइम लोकेशन पर है एट ठाकुर विलेज। तो पहले यहाँ पर वाइसराय प्रॉपर्टीज का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलपमेंट में चल रहा है जिसका नाम सवाना है। तो सवाना के एग्जैक्टली पीछे ये टावर है जिसका नाम प्रीवी है। तो प्रीवी का दोस्तों जो लैंड पार्सल है वो 2900 स्क्वायर मीटर है और इसमें एक लेवल बेसमेंट पार्किंग है, चार लेवल पोडियम पार्किंग है और 34 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और 34 हैबिटेबल में दोस्तों जो 30 हैबिटेबल होगा उसमें हर एक फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट दिया गया है और दोनों फ्लैट 4 BHK के फ्लैट्स हैं और उसके ऊपर के जो फ्लैट्स हैं वो सारे पेंट हाउसेस हैं। तो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, सिर्फ दो ही फ्लैट दिया है हर एक फ्लोर के ऊपर, काफ़ी स्लीक टावर है और चार लिफ्ट होगा और दो स्टेयरकेस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये सवाना है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है ऑफ सेम डेवलपर वाइसराय प्रॉपर्टीज और इसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ यहाँ पर प्रीवी है। और यहाँ पर जो आप प्लॉट देख रहे हैं दिस इज स्कूल रिजर्वेशन प्लॉट। तो प्रीवी का दोस्तों जो लैंड पार्सल है वो 2900 स्क्वायर मीटर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट होगा, एक फ्लैट लेफ्ट साइड में होगा और एक फ्लैट राइट साइड में होगा और काफी बड़े साइज के और डिसेंट साइज के फ्लैट्स इसमें दिए गए हैं जिसमें लिविंग रूम का साइज इटसेल्फ 27x18 फीट का होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का जिसमें आप देखेंगे चार लेवल पोडियम पार्किंग है, उसके ऊपर सारा एमिनिटीज दिया गया है और कुछ एमिनिटीज जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिविंग रूम के साथ में और बेडरूम के साथ में काफ़ी बड़ा सा डेक मिलता है जो कि लिविंग रूम में 27 फीट का रनिंग डेक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे, वैसे तो ठाकुर विलेज इज वेरी वेल डेवलप्ड एरिया, इसके सराउंडिंग एरिया में हर चीज अवेलेबल है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स ईटिंग जॉइंट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो सारे 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, जैसे छत्रभुज नर्सी स्कूल, ठाकुर स्वामीनारायण स्कूल, गुंडेचा एजुकेशन अकेडमी, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। इसके अलावा नेचर्स बास्केट और डी मार्ट अगेन 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक एंड मनी मोर सारा कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, साई धाम मंदिर और जैन टेम्पल अगेन 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। हॉस्पिटल्स में संचाती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 7-स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ओजास आई हॉस्पिटल, ये सारा कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। वाइसराय जॉगर्स पार्क एंड एवरशाइन ड्रीम पार्क अगेन 5 मिनट्स। उसके अलावा एंटरटेनमेंट जोन वाइज अगर आप देखेंगे तो थर्ड वेव कॉफी, पिज्जा हट, स्टारबक्स एंड मैकडोनल्ड्स। फिर 10 मिनट के डिस्टेंस में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ग्रोवेल्स 101 मॉल है, महिंद्र मेट्रो स्टेशन, मगाठाने मेट्रो स्टेशन एंड संजय गांधी नेशनल पार्क। और 15 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो कांदिविली रेलवे स्टेशन, बोरीवली रेलवे स्टेशन एंड गोरेगांव कमर्शियल हब। डिस्टेंस पे अगर आप जाते हैं थोड़े डिस्टेंस पे तो 20 मिनट के डिस्टेंस पर नेस्को IT पार्क है और ओबेरॉय मॉल है। तो यहाँ पर दोस्तों दो फ्लैट्स दिए गए हैं और हर एक फ्लैट्स में फायर एंट्रेंस दिया गया है विद लार्ज डेक। तो फायर एंट्रेंस से आपको प्राइवेसी मिलती है, 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स होगा और एक सर्विस एलिवेटर होगा, डबल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी एरिया दिया गया है विद रिसेप्शन काउंटर, वेटिंग लॉन्च एंड प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स। और यहां से इस प्रोजेक्ट से आपको दो व्यू मिलता है, इस फ्लैट से आपको दोनों व्यू मिलता है, एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिलता है और दूसरा वेस्ट साइड का सिटी का व्यू मिलता है।
उसके अलावा फ्लैट के अंदर फॉयर एंट्रेंस के अलावा आपको पूजा नीच भी दिया गया है। लिविंग रूम का जो साइज होगा वो 27x18 फीट का होगा, तो काफी लार्ज लिविंग रूम दिया गया है। उसके अलावा आपको लार्ज फ्रेंच कट विंडोज दिया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग विद ईवी चार्जिंग पॉइंट्स फॉर ईच रेसिडेंस। और ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफाइड। तो आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफाइड के दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे मेंटेनेंस भी बिल्डिंग में कम आता है, तो आईजीबीसी सर्टिफाइड का बहुत सारा फायदा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक काफी बड़ा सा डेक दिया गया है और ये 27 फीट का लंबा डेक होगा जो कि लिविंग रूम के साथ में होगा, जहाँ से आपको बिल्कुल बाहर का नेशनल पार्क का व्यू मिलता है और फ्लैट के अदर साइड से आपको सिटी का व्यू मिलता है। और हर एक फ्लैट में डेक होने से आपको ऊपर वाले फ्लैट से प्राइवेसी भी मिलती है। फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट है वो 10.6 फीट क्लियर हाइट दिया गया है, तो काफी लार्ज फ्लैट्स इसमें दिए गए हैं। तो वाइसरॉय प्रॉपर्टी इज ऑल्सो द अवार्ड विनर ऑफ 2023-24 ऑफ एशिया पैसिफिक प्रॉपर्टी अवार्ड्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे काफी बड़ा सा लिविंग रूम दिया गया है और उसके साथ में आप देखेंगे काफी बड़ा सा डेक है और फुल वॉल टू वॉल आपको स्लाइडिंग विंडो मिलता है और व्यू भी जो बाहर का आपको मिलता है वो प्योरली संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों किचन में आप देखेंगे दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है और उसके बाद किचन विद आइलैंड काउंटर दिया गया है जो कि सेंटर में होगा। तो अदर स्पेसिफिकेशन में दोस्तों आपको इटालियन मार्बल लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स और किचन में दिया गया है। बैल्कनीज और सन डेक और वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल्स दिया गया है। विनियर फिनिश एंट्रेंस डोर होगा विद डिजिटल लॉक और जितने भी सीपी सैनिटरी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड क्वालिटी के होंगे। उसके अलावा भी फ्लैट्स के अंदर जो भी सिंक, टैप, डोर लॉक, वायरिंग वगैरह होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इसमें दिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग और उसी के सामने आप देखें कि बिल्डिंग के नीचे फिटनेस सेंटर दिया गया है विद प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स एंड लश ग्रीन्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम एमिनिटीज जो है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है और कुछ एमिनिटीज जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो इन डिटेल दोस्तों एमिनिटीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक्वेट स्पेस विद स्पिल ओवर लॉन दिया गया है, इंडोर एंड आउटडोर टॉडलर्स प्ले एरिया, इंडोर जिम्नेजियम विद स्टीम रूम, लाइब्रेरी एंड इंडोर गेम्स, कैफे एंड लॉन्च, स्पोर्ट्स जोन विद मल्टीपर्पज कोर्ट, एम्पीथिएटर सिट आउट एरिया, लार्ज साइज स्विमिंग पूल, किड्स पूल, कन्वर्सेशन ग्रोव विद कबाना सिटिंग, लैंडस्केप गार्डन एंड मेडिटेशन लॉन, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक एंड रूफ टॉप योगा डेक एंड एंटरटेनमेंट एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दिस इज रूफ टॉप एरिया जहाँ पर आपको काफी बड़ा सा लॉन मिलता है और एक तरफ जूस बार है विद सिट आउट एरिया एंड प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स विद LED लाइट्स। सो इट्स अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट प्रीवी बाय वाइसरॉय प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप देखेंगे दो फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर और दोनों का जो कारपेट एरिया है वो 2,299 कारपेट एरिया है जिसका लोअर फ्लोर का प्राइस शुरू होता है 9.3 करोड़ रुपीस इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों पोजेशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2026 में। तो दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। Bye-bye. Take care.